माइक नीचे करो। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे क्या दूंगा उसे किसी व्यक्ति कर्तव्यों को उत्तर प्रदेश सिवाय मैं ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या मैं आशुतोष टंडन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशुतोष टंडन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तप के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नंद कुमार नंदी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचितया प्रकट नहीं करूंगा। तो आखिरी मंत्री नंद कुमार नंदी इन्होंने शपथ ली है। इस तरह से 22 मंत्री इन्होंने शपथ ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उसके अलावा 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें तमाम नाम शामिल हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर पहले ही चर्चा हो रही थी। हमारे साथ ज्ञानेन जी हैं, राकेश कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही कांग्रेस से चैतन्य जी हैं। ज्ञानेन जी, अब कैबिनेट का पूरा स्वरूप सामने आ चुका है, क्या लगता है बैलेंस है, काबिल है? देखिए, काबिलियत और
परफॉर्मेंस और ये क्या रहेगा ये समय के साथ सामने आता जाएगा। अभी सिर्फ आपको लगता है कि मिक्स्ड ब्लेंड है, बिल्कुल युवा भी हैं एक्सपीरियंस भी हैं। देखिए एक तो एज वाइज जिसको आप एक्सपीरियंस और युवा कह रहे हैं वो कॉम्बिनेशन साफ दिख रहा है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है कि बहुत बारीक स्तर पर जाकर जातियों का संतुलन बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश की एक प्राइमरी शर्त रही है, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे। योगी आदित्यनाथ चूंकि नाथ संप्रदाय से आते हैं और वहाँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति आ सकता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आ सकता है, और आ जाने के बाद उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है। तो बहुत दिनों बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आया है जो जिसकी कोई जातिगत पहचान नहीं की जाती है। जी, करने की कोशिश जबरदस्ती की जाए टेलीविजन चैनल्स में और अखबारों में तो वो अलग बात है, मगर जातिगत पहचान उनकी ऐसा सच नहीं है। बाकी नीचे जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें किसी भी वर्ग को ये महसूस करने का मौका नहीं दिया गया है कि हमें इग्नोर किया गया। तो इस तरह से अगर देखें हम तो ये पूरी तरह से संतुलित है। राकेश कपूर जी, आपको क्या लगता है, जो ज्ञानेन जी कह रहे हैं कि वाकई जातियों को ध्यान में रखकर ये मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, या जैसा कि बीजेपी हमेशा कहती रही है चाहे टिकट बांटने की बात हो, वो काबिलियत देखते हैं? अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चुना है तो उसके पीछे भी उन्होंने उनकी काबिलियत देखी है। यहाँ पर जो ये कैबिनेट पूरी बनी है, क्या बैलेंस करने की कोशिश है जाति के आधार पर, या आपको लगता है काबिलियत को ध्यान में रखा गया है? मुझे, मैं ज्ञानेन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर प्रदेश चूँकि विविधताओं का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बहुत विविधताएँ हैं, बहुत आंचल हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसा प्रदेश है जहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। तो, कोस पे पानी, 10 कोस पे पानी। हाँ, तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश में जो उसकी विविधता है उसको एक गुलदस्ता बना करके पेश किया है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये मंत्रिमंडल। मेरी राय में तो ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र, हर प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल पेश हुआ है आज योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गुलदस्ता है जी, और इसमें हर तरह के फूल हैं जैसे कि राकेश कपूर जी कह रहे हैं। चैतन्य, आप इस कैबिनेट को देख के क्या कहेंगे? देखिए कैबिनेट, मैं एक इस डिबेट को एक अलग ही तरफ लेके जाऊंगा। कैबिनेट कोई भी मंत्री हो, और बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि सब यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे बहुत अलग अलग समुदाय के लोग हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कैबिनेट में, और जहाँ तक हमें लग रहा है वो हुआ भी है। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मत दिया, अपना जनादेश दिया, वर्डिक्ट दिया, अपना मैंडेट दिया, उनको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट पे। उत्तर प्रदेश के काफ़ी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है काम करने की, डेवलपमेंट करने की। कई जगह हैं जहाँ रोड नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे फोकस रहना चाहिए, ना कि इस बात पे कि जो योगी आदित्यनाथ है। लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत स्कोप छोड़ा है इस कैबिनेट को काम करने के लिए, आपने डेवलपमेंट की बात कही? ऐसी बात नहीं है, देखिए हमेशा काम की जरूरत होती है, कई चीज़ें रह जाती हैं जो हर सरकार नहीं कर पाती, ये मानना चाहिए हमको। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ये समझना और उनके पूरे कैबिनेट को, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना जरूरी है कि जो जनादेश उन्हें मिला है वो सीएम बने हैं, सीएम किसी एक जनजाति या समुदाय का नहीं होता, सीएम हर किसी के लिए मुख्यमंत्री होता है, उनको उसी तरीके से काम करना चाहिए। कल ही उन्होंने कह दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो विधायक दल का नेता चुने आज, उसके आज, बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है उस पर ही वो अमल करेंगे। आज पहली कैबिनेट मीटिंग है। ठीक है ज्ञानेन जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं, हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और चैतन्य ने भी इशारा किया है और कहीं ना कहीं सुझाव दिया है कि बहुत सारे काम अभी अधूरे रह गए हैं जिसको पूरा करना है। खुद संकल्प पत्र की अगर हम बात करें बीजेपी की, उसमें तमाम बहुत सारी बातें हैं, विकास उसमें प्रमुख है। आपको लगता है कि चुनौतियां बड़ी हैं, उस लिहाज से जिस कैबिनेट का गठन किया गया है लगता है कि एनर्जी से भरा हुआ ये कैबिनेट है और वाकई परफॉर्म करेगा? देखिए मैं बहुत अपनी ऑनेस्ट राय देता हूँ, मेरे विचार से कैबिनेट जो हुई है या बाकी मंत्रिपरिषद जिसको हम कहेंगे, जिसमें इसको शामिल उसको शामिल किया गया, सबकी अपनी भूमिका होगी निश्चित रूप से, लेकिन वो एक राजनीतिक बात है। जहाँ तक विकास का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना, उन हर व्यक्ति को लगे कि हम भी सरकार के हिस्से हैं, इस तरह की बातें हैं सारी हो गई, वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आपने कर दिया। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं एक चीज, चूँकि आपका ये बिजनेस चैनल है और मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो अपेक्षाकृत एक क्वालिफाइड ऑडियंस है,
तो विकास डेवलपमेंट जो है वो एक सेकेंडरी स्टेज होती है। तो आपने अभी चैतन्य से सवाल किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत सारा काम छोड़ दिया, तो वो छोड़ दिया और उसको पूरा करना या उसको आगे बढ़ाना वो सब बहुत मुझे लगता है कि सतही बात है। अगर अंदर से देखें तो डेवलपमेंट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पर आपको क्या करना होता है? प्राइमरी स्टेज पर आपको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना होता है। प्राइमरी स्टेज पर आपको सबसे पहले एक करप्शन फ्री रिजिम देना होता है। प्राइमरी स्टेज पर आपको सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया करानी होती हैं। उसके बाद मैटर करता है कि सड़क बनी है। जैसे तमिलनाडु में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डीएमके सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन लोगों के पास उन सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए पैसे नहीं थे। गाड़ियाँ भी थी, खड़ी हुई थी, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे जी। तो इसलिए सिर्फ भौतिक विकास कुछ नहीं होता, वो एक साथ में एक सामाजिक और एक मानवीय विकास भी होता है। तो पहली शर्त तो ये। अब दूसरा पहलू, मैं विकास के मुद्दे को थोड़ा सा और डीप में ले जाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं इस समय केंद्र सरकार की इतनी असंख्य योजनाएं मौजूद हैं जिनको अगर इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो विकास ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट चाहिए जो उसके प्रति कम से कम नेगेटिव एटीट्यूड ना रखती हो, जो पानी की ट्रेन पहुंचने पे ये ना कह देती हो कि भाई 10,000 ट्रक लाओ नहीं तो ये पानी वापस ले जाओ। अरे झांसी से 4 कदम आगे ले जाकर पुल पड़ता है, अगर आप वहीं पुल में लुढ़का देते तो भी बुंदेलखंड को के कई लोगों की जान बच सकती थी। अब सिंक होगा जो मिसिंग था। इसलिए मुझे नहीं, सिंक और मिसिंग नहीं है सर। नहीं नहीं, आप पहली शर्त है कि उन चीजों को जो सरकार की जो बात आपने कही कि अगर केंद्र कुछ ऑफर कर रहा है तो आप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं।